उज्जैन जिले की तराना तहसील के टुकराल ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय गेहूं रखने के लिए गेहूं उपार्जन प्लेटफार्म बनकर तैयार हो गया है। उज्जैन जिले के तराना तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत टुकराल में गेहूं उपार्जन प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है, जो 82x75 का प्लेटफार्म बनाकर कम्प्लीट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो गेहूं खरीदी केंद्र है, वहां पर जो किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, वह गेहूं बारिश में खराब ना हो और उस गेहूं को बचाया जा सके, राज्य सरकार का नुकसान ना हो सके, उसी को लेकर ग्राम पंचायत ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद यहाँ पर एक गेहूँ उपार्जन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जो समय सीमा में पूर्ण हो चुका है और अब इस प्लेटफॉर्म पर गेहूँ रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत है और ये किस चीज़ का निर्माण किया गया है और क्या इसके फायदे होंगे? ये प्लेटफार्म बनाया जो पिछले साल गेहूँ बहुत ख़राब हुए थे, तो गेहूँ खराब ना हो इसके लिए ये प्लेटफार्म जो व्यवस्थित जगह पे गेहूँ रखे ही जाएंगे, इसलिए बनाया है। आसपास का सारा गेहूँ यहाँ पर रखा जा सकता है? सारा गेहूँ, दो चार गाँव के गेहूँ चुन रहे हैं, चार गाँव अभी भी सामने न रहा है, टुकराल है, डाबला है, अनुमति है, चार गांव के गेहूँ तुला रहे हैं। इसलिए पिछली बार भी जो है अव्यवस्था के कारण। बताइए कौन सी ग्राम पंचायत है और किस प्रकार से गेहूँ को स्टोर करने के लिए जगह की व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से क्या रहा? ग्राम पंचायत टुकराल, पिछले वर्ष बारिश नज़दीक आ गई थी और काफ़ी मात्रा में गेहूँ यहाँ पे खराब हुआ था। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे उपार्जन केंद्र के सामने गेहूँ का एकत्र करके स्टॉक करके यहाँ पे व्यवस्थित गेहूँ रखा जा सकता है और जिससे कि वो नुकसान हुआ था सरकार का वो नुकसान ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।